दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आज जानते हैं मंडी में आलू का क्या बाजार रहा, क्या आवक रहा, कितनी गाड़ी आई है, चिप सोना का क्या बाजार है, हाइब्रिड का क्या बाजार है। जुड़ गए हैं आलू के आरती से, यहीं से जानते हैं बाजार का हालत। साहब जी प्रणाम, नमस्कार जी। आलू की पोजीशन ये है 700 रुपये तक लेकिन 550 रुपये तक की। अच्छा, सोना 700 रुपये। अच्छा, और ये 550 रुपये 37-97 हाइब्रिड 600 रुपये 550 रुपये यही पोजीशन चल रही है। आलू के बाजार में थोड़ी सी उछाल देखी गई है। उछाल तो यही हो रही है, आलू दागी हो रही है, दागी हो रही है, दागी की वजह से। मतलब ये बढ़िया आलू बिकता अपने भाव, और हल्का क्या होती है दागी होने की, बारिश बारिश हुई ना बीच में, उसकी वजह से मतलब दागी है। अच्छा जी, बारिश जो हुई तो बारिश से आलू सड़ गया, दोबारा लगा तो छोटा रह गया। इसलिए मतलब ये है महंगाई की, थोड़ी सी महंगाई भी ज़्यादा नहीं है, हल्की महंगाई है। हाँ, अब आने वाले टाइम में पता पड़ा क्या होता क्या ना होता। अभी तो ये जंगल के आलू आ रहे हैं, खेतों का ही आलू आ रहा अभी तो जी। आलू है इस बार फसल किसानों की अच्छी हुई थी, लेकिन क्या ये दागी होने से बाजार क्या चढ़ेगा इस बार? इस बार क्या चढ़ेगा, स्टोर तो पूरे हैं, स्टोर पूरे हो गए तो अब चढ़ने के कोई चांस ना, और बाकी कुदरत के हाथ में है। अच्छा, स्टोर पूरे हो चुके, स्टोर फुल हो चुका जी। अभी तो स्टोर का माल नहीं आ रहा है, अभी तो खेतों का ही माल चल रहा, अभी खेतों का माल आ रहा है, अब स्टोर का भी आएगा, चालू हो जाएगा। आ रही है एक तुक्का गाड़ी आ रही है, बिक रही है। ठीक है भाई साहब, नमस्कार। आपका अपना ये शॉप का एड्रेस, कंपनी का नाम बताना चाहें तो बताएं। अरे शॉप का नाम बताना, ठीक है जी, ठीक। तो दोस्तों ये थे आलू के व्यापारी, जिन्होंने आलू का पोजीशन बताया मार्केट में। आप भाइयों से निवेदन है, ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।